नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज हम जानते हैं सरल शब्दों में यानी आसान शब्दों में कृषि विधेयकों के बारे में जो मुद्दा पूरे देश में इस समय छाया हुआ है, जिन्हें मोदी सरकार कृषि सुधार का एक बड़ा कदम बता रही है तो वहीं किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि इन कृषि अध्यादेशों से कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा, वे इसे पूर्णतया ऐतिहासिक बता रहे हैं। तो किसान और विपक्ष इसके विरोध में खड़े हैं, लेकिन आखिर क्यों? आखिर इसमें ऐसा क्या है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? आइए इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। आज़ादी के बाद भारत की खेती में एक बड़ा बदलाव हो गया। इस समय सरकार 3 कृषि विधेयकों को कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है, तो किसान संगठन और विपक्षी नेता इसके खिलाफ खड़े हैं। सड़क और सोशल मीडिया में किसान संगठन आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच लोकसभा में 3 बिल भी पास हो गए। बिल पास होने के विरोध में एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल के नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज जो बीजेपी सरकार 3 अध्यादेश लेकर के आई है, वही सरकार कभी इसके खिलाफ भी होती थी? इसका एक छोटा सा उदाहरण और खास वीडियो हम आपको दिखाएंगे भी, जिसमें सुषमा स्वराज ने आड़तियों और बिचौलियों का पक्ष रखा था। उनका कहना था कि आड़ती ही ऐसा है जो किसानों को किसी भी समय मदद करता है। और उसी समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने इस पूरे बिल के पक्ष में बात कही थी। वे चाहते थे कि ये बिल पास हो। कांग्रेस उस समय इस तरह के बिल लाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने इसका भरपूर विरोध किया था। लेकिन ऐसा आज इन विधेयकों में क्या हो गया कि बीजेपी इसे ऐतिहासिक बता रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहेगी। कुछ शक्तियां किसानों को भ्रमित करने में लगी हैं और किसानों का इसमें मुनाफा बढ़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, लेकिन इतना बड़ा वादा करने वाली सरकार, केंद्र सरकार के इन विधेयकों का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? अचानक पूरा विपक्ष एक साथ कैसे खड़ा हो गया? तो वहीं किसानों को भी लगने लगा है कि सरकार उनकी मंडियों से छीन करके कॉरपोरेट सेक्टर को तथा कंपनियों को ये हक देना चाहती है। और क्यों लगता है किसानों को कि सरकार उन और उसका ये कदम किसान विरोधी है? वहीं गाँव कनेक्शन के पास कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 राज्य सरकारों को मंडियों के बाहर की गई कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर टैक्स लगाने से रोकता है और किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र कर देता है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों को व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आज़ादी मिल सकेगी। इससे अच्छे माहौल पैदा होंगे और दाम भी बेहतर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश से किसानों की अपनी उपज देश में कहीं पर भी और कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा संस्था को बेचा जा सकता है। इस अध्यादेश में कहा गया है कि कृषि उपज विपणन समितियों MSP मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है। इसके जरिए सरकार एक देश और एक बाजार की बात कर रही है। किसान को उसकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण करने की स्वतंत्रता भी मिलेगी। वहीं लोकसभा में बिल पास करते हुए सरकार ने कहा कि इस बदलाव के जरिए किसानों और व्यापारियों को तथा किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित आज़ादी मिल पाएगी। पहले व्यापारी फसलों को किसानों से औने पौने दामों में खरीद कर उनका भंडारण कर लेते थे और काला बाजारी किया करते थे। उसको रोकने के लिए 1955 में इस प्रकार का कानून बनाया गया था, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के लिए एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब नए विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तुओं की सूची में अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए लाया गया है। इन वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा अकाल जैसी विशेष परिस्थितियों में अलॉट स्टॉक की सीमा नहीं लगेगी। इस पर सरकार का मानना है कि अब देश में कृषि उत्पादों के लक्ष्य से कहीं ज़्यादा उत्पादित
किया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेश की कमी के कारण बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता। वहीं कृषि मंत्री कहते हैं कि इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम भी किसानों पर नहीं रहेगा और किसानों की आय में सुधार हो जाएगा। आढ़तीय और बिचौलिए इसका विरोध कर रहे हैं, पूरा विपक्ष भी एक साथ आ चुका है। मगर राजनीति के कुछ ऐसे मायने भी हैं जो किसानों को साधने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कड़ी विपक्ष के पास हो या फिर सत्तासीन पार्टियों के पास, क्योंकि ज़्यादातर वोटर भी किसान ही हैं। सभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं। भले ही सरकार किसी तरह का अच्छा कानून लेकर आए या फिर जिसे काला कानून कहा जा रहा है, वे लोग सड़कों पर जरूर उतरेंगे, क्योंकि इनमें से कई लोग किसान हित में नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियों से जुड़े होने के कारण उन्हें इनका कहना मानना पड़ता है। आज अपने आप को किसानों का पक्षधर बताने वाली बीजेपी पार्टी भी किसी समय इन्हीं किसानों को लेकर के सड़कों पर उतर आती थी और आज विपक्ष ऐसा कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका कृषि विभाग के मुख्य अर्थशास्त्री का कहना है कि 1960 के दशक में किसानों की आय में गिरावट आई। इन वर्षों में अगर यहाँ पर खेती बची है तो उसकी वजह बड़े पैमाने पर सब्सिडी के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता है। वे आगे कहते हैं कि बिहार में 2006 में MSP नहीं है और इसके कारण होता यह है कि व्यापारी बिहार से सस्ते दाम पर खाद्यान्न खरीदते हैं और उसी चीज़ को पंजाब और हरियाणा में MSP पर बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ पर MSP मंडियों का जाल बिछा हुआ है। यदि सरकार इतना ही किसानों के हित में सोचती है तो उसे एक और अध्यादेश लाना चाहिए जो किसानों को MSP का कानून अधिकार दे, जो ये पूरी तरह से सुनिश्चित करेगा कि MSP के नीचे किसी से भी खरीद नहीं की जाएगी। इससे किसानों का माहौल भी बुलंद होगा। इन्हीं अध्यादेशों को लेकर के किस सरकार में किस किस ने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं इन खास वीडियो में। जब किसान होता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35-40% सामान खराब हो जाता है और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में आठ कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई है, मेरे पास आने हैं, ये बेचारे किसान को 15-17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15-17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ है या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, मिशन खत्म हो जाएगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा और उसका शोर बाहर है, उसका बाहर पक्का है, क्योंकि एक समझौता हो गया अपनी प्राइसिंग अग्रीमेंट में कि हमने तुमसे आकर लेना। आप फिर दाम की बात, फिर हम दाम की बात करते हैं। जो दाम किसान को पेप्सी को 12 एक किलो आलू का मिलता है वो बाजार में 3 रुपया किलो, बाजार में 3 रुपया किलो और पेप्सी को उसको 5.75 रुपया किलो दे, बाजार में 3 रुपया, यहां लगभग 6 रुपया। 2010-11 में बाजार में 3.80 रुपया से 5 रुपया तक और यहां 6 रुपया। तो किसान को पैसा ज्यादा मिलता है, टाइम पे पैसा मिलता है। आम किसान बेचारा क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। आम किसान की हालत यह है कि उसको पता नहीं कि कब मुझे मार्केट जाना है, उसको पता नहीं कि मैं कब बेचूंगा। और इस बीच 35-40% जो वो बोता है वो खराब होता है। कि आपके ये बैंकों के ATM तो आ जाए हैं, आरती उस किसान का पारंपरिक ATM है। किसान को बेटी की शादी करनी हो, बुआ का भात भरना हो, बहन का छूछक देना हो, बच्चे की पढ़ाई करानी हो, बाप की दवाई करानी हो, सिर पे साफा बांधता है और सीधा मंडी में आरती किया जाकर खड़ा हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा?
क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी और कौन डायरेक्ट बात कर सकेगा? कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत है। को ज्यादा भाव देगा किसान अपना फसल उसको देगा, किसी और को नहीं देगा। अगर आड़तिया देगा तो आड़ती को देगा, जो जिनको आपने परंपरागत एटीएम का नाम दिया आड़ती को, जो इसको आपने कहा कि भाई परंपरागत एटीएम और किसान और उस परंपरागत एटीएम को के एक रिश्ते को महिमा मंडित करने का काम जो किया, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि मेरे ज्ञान के चक्षु आपने खोल दिए। जब आपने परंपरागत एटीएम का नाम दिया दिया और कहा किसान अपनी दुख में, अपनी बीमारी में, अपनी हारी में, ब्याह शादी में जब उसको मजबूरी होती है तो इनके पास पहुंचते हैं और वहां से इनको विश्वास के ऊपर पैसा मिल जाता है, जैसे दिन रात एटीएम से पैसा मिल जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता हूं, विश्वास पे पैसा नहीं मिलता, ब्याज पे पैसा मिलता है। एटीएम जरूर है, एटीएम जरूर है, दिन रात पैसे देने को तैयार जरूर है, मगर जब पैसा मिल जाता है तो एटीएम की तरह नहीं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का ब्याज उस पैसे पे चलता है और वो ब्याज का चक्कर इतना जबरदस्त होता है कि किसान की जान और जमीन जब तक इनके पास हो। बहुत सी स्टडीज हैं, नबार्ड की स्टडी है, मैं एक स्टडी कोट करना चाहता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक स्टडी से मैं कोट करना चाहता हूँ। एंड आई कोट, ये स्टडी थी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों की इंडेबटेडनेस की, कि वो इतने कर्ज के बोझ के तले क्यों दबे हुए हैं, सुसाइड इतनी क्यों हो रही है। इन मेनी केसेस एक्सट्रीम स्टेप ऑफ सुसाइड वाज टेकन रिकोर्स ड्यू टू हैवी प्रेशर एंड ह्यूमिलेशन फ्रॉम प्राइवेट मनी लेंडर्स। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द टाइप, जो आप टाइप की बात कर रहे थे, विश्वास के रिश्ते की जो बात कर रहे थे, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द टाइप दैट फार्मर्स especially small and marginal and medium level farmers have with the middlemen and the traders who also act as input suppliers, money lenders and traders in agriculture commodities. एक ये नबार्ड की भी स्टडी है, बहुत सी स्टडियां हैं, मगर मैं आपको दोष नहीं देना चाहता, आपको आपकी विचार